सो फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत का जो हेल्थ कार्ड है इसमें जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं। एक अपडेट सामने आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो भी आप अपना आयुष्मान भारत का कार्ड जो है वो बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही ये बना सकते हैं। बस आपको इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो यार वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको ब्राउज़र में टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in। ये टाइप कर आप सर्च करेंगे, वेबसाइट आपके सामने होगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपको लॉगिन अस का ऑप्शन मिलता है ऊपर। यहाँ पर लॉगिन करने के दो ऑप्शन है, एक है बेनिफिशरी, दूसरा है ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम बेनिफिशरी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद इसी के राइट साइड में यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है। जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। OTP यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है स्टेट का, यहाँ पर आप अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर आप ढूंढ लेंगे, लगभग यहाँ पर सारे स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट जो है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा बदलाव है। यहाँ पर पहले PMJ वाला ही ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर जो है अब लेबर कार्ड वगैरह भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर हम अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसे यहाँ पर लेबर कार्ड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेबर कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए। इसके बाद सर्च बाय का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, फैमिली आईडी, आधार कार्ड और यहाँ पर नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम वाला ऑप्शन फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना नाम जो है टाइप करेंगे। यहाँ पर तो अपना नाम यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नाम जो है यहाँ पर आ चुका है। और ये आप पता कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर आपके पिता का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पिता का नाम भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमने अपना लेबर कार्ड से जो है यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर कार्ड जो है नॉट जनरेट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसे जनरेट करने के लिए, इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर eKYC करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर इसी के बगल में eKYC का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली से eKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर eKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर शो होगा। आधार नंबर शो होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसी के राइट में वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आई कंसेंट देना है, अलाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है देखिए ऑथेंटिकेशन मोड का। तो यहाँ पर हम आधार OTP वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया होगा और दूसरा OTP आपने जो लॉगिन करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर आ गया होगा। तो OTP दोनों को फिल कर देना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक और बार eKYC करनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पर आपको आधार OTP का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर शो होगा, यहाँ पर आपको इसी के बगल में वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, यहाँ पर आप OTP फिल करेंगे। तो OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आपकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो एक कैप्चर करके यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, ये जो नीचे सिंबल दिख रहा है परसेंटेज का, ये ग्रीन कलर में होना चाहिए, तब जो है आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा।
इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप रूरल या फिर अर्बन एरिया से वो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं EKYC कंप्लीट, प्लीज़ डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना आयुष्मान कार्ड जो है कुछ समय बाद डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।